Hello everyone, welcome to a new session of RS Bio Corner. So in today's video we are going to discuss about the current affairs July 2021. ta jemti ki ame samaste janiche ki current affairs ta amaro important role play karuchi each competitive exam re. ta set pai mu decide karichi ki aji tharu each sunday ame discussion kariba about the current affairs and each week ra jaha bi current affairs news thibo mu sunday se sabu provide karibi. ta jehetu aji जुलाई मंथ रे सॉरी जाय छी हमरो तो मु होल मंथ रो करंट अफेयर्स टा दुईटा पार्ट रे डिस्कशन कर देउ छी. तो आज रे पार्ट रे हमें ओनली 10 क्वेश्चंस डिस्कशन करबा मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट वीडियो रे हमें काली आउ 10टा क्वेश्चन डिस्कशन कर देबा. ता परठु नेक्स्ट वीक टू हमें ईच संडे जहाँ भी वीक रो करंट अफेयर्स थिबो मु से सब नेके गोटे वीडियो बने देबे जोडा के तमन को हेल्प करबो तमन कर एग्जाम रे. So let's discuss the first question, that is which aeronautical engineer became the third Indian origin woman to fly into the space. तो इंटे के हमें जाने छे कि आज पर्यंत हम इंडिया रो तीन जन वुमेन ही स्पेस को जाई पर छंती इंडियन वुमेन. तो से मैंने ले फर्स्ट हमर थिले कल्पना चावला, देन सुनीता विलियम्स, देन हमर आसीले सिरसा बांदला. ओके तो सिरसा बांदला जे के बिलोंग करंती हमर आंध्र प्रदेश रु जे रिसेंटली स्पेस को जाइथिले ऑन 11th जुलाई 2021 एंड एटी मु आउट के एडिशनल इंफॉर्मेशन दे हिउ छी बिकॉज क्वेश्चन एथिर भी आसी पारे. तो हमर सिरसा बांदला जे थिले से का सहित जाइथिले ना ब्रिटिश बिलियनियर रिचर्ड ब्रांसन को सहित. ओके तो हमर ब्रिटिश रो जने बिलियनियर बिजनेसमैन जे कि निजो शौक पूर्ण करिया पाई रिचर्ड ब्रांसन तांको नेम से स्पेस को जाइथिले. तो तांकर जो टीम थिला सेथिरे सिरसा बांदला मध्य इंक्लूड थिले. ओके देन हमर हमर जे रिचर्ड ब्रांसन रहिले से होचने हमर वर्जिन गैलेक्टिक्स गुटे स्पेस कंपनी तांकर अछि वर्जिन गैलेक्टिक्स नाम रे रिचर्ड ब्रांसन कर. तो सेही थ्रू रे से माने जाइथिले स्पेस को. Clear. The next question, which state has launched a pink protection project? Okay, so answer is Kerala. The pink protection project koile that is launched in Kerala for the protection of women in public, private and digital spaces. The next question, which Indian photojournalist was killed while covering the clashes between Taliban fighters and Afghan security forces? Okay, तो हमारे अभी recently जो fighting चल था between Taliban and Afghan भीतरे से थे हमारे जो ने Indian photo journalist का death हुई थी से थे Danish Sadiq. Okay, तो तांकर name था Danish Sadiq who was the winner of Pulitzer Prize in 2018 ने. तो 2018 ने से पुलिचर प्राइज पाइथिले दानिश सादिक. देन हु ओन द नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस टाइटल इन जुलाई 2021. ओके तो जुलाई 2021 ने हमर जो नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस कंपटीशन हेथिला सेथिरे हमर बंतिका अग्रवाल जे के दिल्ली रु बिलोंग करंती से फर्स्ट हेथिले. She was the winner and second winner was Arpita Mukherjee je ki belong karanti amara West Bengal lo and third re amar thile Sirja Seshadri je ki Tamil Nadu ro belong karanti. To amar Bantika Agrawal je ki first position ne asthile aur winner heithile se 9.5 score korthile out of 11 points ro. Okay, out of 11 points देन आमर अर्पिता मुखर्जी 9 पॉइंट स्कोर कर पारथिले एंड श्रीजा शेषाद्री 8.5 स्कोर करथिले आउट ऑफ 11 पॉइंट्स. देन व्हिच बैंक लाइसेंस हैज बीन कैंसल्ड बाय आरबीआई ऑफ इंडिया रिसेंटली. तो रिसेंटली आमर ए जुलाई मंथ रे आरबीआई जोटा आमर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंक रा लाइसेंस टा कैंसल कर छि. तो एटा मोस्ट इंपोर्टेंट आमर बैंकिंग एग्जाम पाइम भी आसीबो एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाइम भी आसीबो. तो एटा भलसे मन रखिबे. सो को बैंक सेटा सेटा होच हमरा यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक एलटीडी ऑफ वेस्ट बंगाल.
देन व्हिच इंडियन सिटी इज द ओनली वन फ्रॉम द कंट्री टू बी चूजन फॉर द इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम। ओके तो आमर क्लीन एयर इंटरनेशनल लेवल ले क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम रे को सिटीटा इंडिया रो चूज करा जाय छे सेटा होचे आमर इंदौर। देन व्हिच लेजेंडरी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया रिसेंटली पास्ड अवे तो को इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन जे कि आमर इंटरनेशनल टाइटल जीती थिले एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू अचीव द इंटरनेशनल टाइटल इन 1956 ही वाज नंदू नाटेकर। तो ये हमारे दीटा क्वेश्चन भी हो पारिबो नंदू नाटेकर वाज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट्स बैडमिंटन। ओके सो व्हिच इज द लार्जेस्ट मून इन सोलार सिस्टम तो सोलार सिस्टम रे हमारा लार्जेस्ट मून कहले गैनीमीड गैनीमीड जोटा कि हूँ जुपिटर्स मून। ओके गैनीमीड इज द मून ऑफ जुपिटर एंड इट इज कवर्ड बाय आईसी क्रस्ट क्लियर। देन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर्स इन ऑल गवर्नमेंट सर्विसेस सो दैट इज कर्नाटका। तो इंडिया रा हमारो कर्नाटका स्टेट ही रिसेंटली हमारो ट्रांसजेंडर को पाई गवर्नमेंट सर्विस रे रिजर्वेशन रखी छे जोटा कि हमारो 1% रिजर्वेशन रही छे ट्रांसजेंडर मानन को पाई। देन व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल टाइगर डे 2021 सो एज वी नो दैट इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29th July रे आमर इंटरनेशनल टाइगर डे टा सेलिब्रेट करा जाए तो तार आमर थीम कौन थिला 2021 पाई थीम कौन थिला तो देखो पिला माने आमर करंट अफेयर्स हो बा जीके रे हो करंट अफेयर्स रे मोस्टली आमर थीम गुड़ा ही पके दउ छी तो जहां भी आमर डे सब सेलिब्रेट हो छी तार दिस ईयर पाई आमर 2021 पाई थीम कौन थिला से डे सहित से थीम टा निहाती मन रखिबो बिकॉज एग्जाम रे आसे ए भली क्वेश्चन ही आसे थीम ही पचारे। ओके सो द थीम ऑफ द इंटरनेशनल टाइगर डे ऑफ 2021 वाज देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड तो टाइगर मानन को सर्वाइवल आमो हाथ रे। देन हु इज सिलेक्टेड एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका तो बसवराज बोम्मई। देन व्हिच स्टेट मेड द देवारण्य स्कीम टू प्रमोट आयुर्वेदा एटा भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आमर आयुर्वेदा को प्रमोट करिया पाई मध्यप्रदेश। ओके मध्यप्रदेश गोटे स्कीम करिछि जार नाम होछि देवारण्य। देन व्हिच कंट्री हाज प्लान टू ब्रिंग इंटरनेट थ्रू हाई अल्टीट्यूड बलून इन क्यूबा तो क्यूबा जोटा कि आमर आसूची कौटी मेघालय से कौन है ना आम हाई अल्टीट्यूड बेलून मध्यम आमेरिका ट्राए करुच्ची आंसर इज आमेरिका। ओके तो आमेरिका आम ट्राए करुच्ची कि सही लोकों पाखे इंटरनेट पहुँचवाई थ्रू बलून।